अगर आपको नहीं पता तो कनाडा में आजकल क्या न्यूज चल रही है, मैं ये बताती हूँ आपको। तब तक तो कनाडा में ऑब्वियसली लोग तंग आ गए। अब 2 साल हो गए वही चीजें दोबारा दोबारा से, लॉकडाउन तो फिर ये तो फिर वो, सो जो है ना बहुत लोग थक गए। तो अभी क्या हुआ कि कनाडा और यूएस दोनों ने जो है सैंक्शंस लगा दी ट्रकर्स पे। आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने ट्रकर्स को कहा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, आई थिंक उनको वहां पे प्रूफ दिखाना है, अगर कैनेडियन ट्रकर्स यूएस जा रहे तो दे हैव टू शो प्रूफ, वरना वो आ ही नहीं सकते। और वहां से आते हुए उन लोगों को अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई दी है तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से ट्रकर्स को जो है ना लाइक दे आर गोना गेट अफेक्टेड। हालांकि सुनने में आया कि 90% जो है लोग ट्रकिंग में, बिजनेस में, उन लोगों ने लगा लिए, मगर आई डोंट थिंक ये सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर ही है। लाइक आई डोंट थिंक ये प्रोटेस्ट जो सिर्फ वैक्सीन, इट्स लाइक अबाउट हैविंग योर फ्रीडम एंड मूविंग ऑन विद लाइफ। कोरोना ने जाना कहीं नहीं है, अब इट्स गोइंग टू स्टे, वी हैव टू लर्न टू डील विद इट, किस तरह से उसे डील करना है। अब सारी जिंदगी बंद तो नहीं बैठेंगे ना। और दूसरी बात कि हमारे जो खुद प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यानी जब इन पे बात आती है तो ये खुद तो भाई हर जगह पार्टियां करते फिर रहे हैं, हर जगह बगैर मास्क के घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो की मैंने तस्वीरें लगाई थी, मैंने उस दिन, मेरे पास थी वो तस्वीर, यार कहाँ गई, लेट मी शो यू हिज पिक्चर। तो ये अभी इसकी तस्वीर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इन लोगों की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चल रही है, इन लोगों की आई मीन देयर इज नथिंग, आई कैन फाइंड इट, पता नहीं कहाँ है। मगर एनीवेज ही वाज, अभी ये गए थे किसी पार्टी में गए थे, तो वहां पर इन लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और एक दूसरे के साथ यूं करके जो है तस्वीरें खिंचवा रहे थे। सो व्हाट कैन यू से, राइट? ये हमारे पॉलिटिशियन वही है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, यार वो कुछ भी कर सकता है, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। तो खैर आजकल जस्टिन ट्रूडो को जो है बहुत ही हीट मिल रही है। यार व्हाई कैन्ट आई फाइंड दैट पिक्चर? थी मेरे पास, आई नीड टू डू माय वर्क बिफोर आई कम हियर, आई हैव डिलीटेड इट। एनीवेज आप अगर देखनी है ना तो आप मेरे फेसबुक पे जाके देख सकते हो, मैंने वहां पे पोस्ट की है, इसी तरह आप मेरे फेसबुक पे ही पहुंच जाओगे। तो ये कनाडा में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ट्रकर्स को ऑब्वियसली दे वर लाइक वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट। सो ये देखिए आप, सो ये देख सकते हो आप, कितने लोग और जहां जहां से ट्रक्स जा रहे हैं, तो ऑन अब कितने ट्रक्स हो गए यार, लास्ट टाइम 100,000 थे, आई डोंट इवन नो कितने ट्रक्स हैं, यानी इतने ट्रक्स हैं, दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में होगा। और जहां जहां से वो गुजर रहा है सब आ रहे हैं, यानी पूरे जितने भी ट्रकर्स हैं ऑल ओवर कैनेडा, दे आर मीटिंग अप इन ऑटावा, ऑटावा में आ रहे हैं वो सारे एक जगह, वहां पर ही हमारी पार्लियामेंट है, वहीं जस्टिन ट्रूडो बैठता है। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा, जस्टिन ट्रूडो का बयान आया है अभी कि वो 5 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहा है, या पता नहीं 14 डेज के लिए क्वारंटीन करा है, क्योंकि उसको कोरोना के सिम्टम्स हो गए, ताकि वो हो ही ना वहां पे जब तक ये कॉन्वे कॉन्वॉय वहां पे पहुंचेगा। तो आप ये देख सकते हो कितने लोगों की सपोर्ट में खड़े हैं जहां जहां ये ट्रकर्स जा रहे हैं, एंड इट्स सो मेनी। अगर आपने देखना है ना तो गो ऑन ट्विटर और उस पर जाके आप वीडियोज देखो। आई वॉज लुकिंग एट इट एंड आई वॉज लाइक इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और ये ट्रेंड कर रहा है, पूरा हफ्ता ट्रेंड करता रहा है। ये एक और वीडियो आप देख सकते हो, लोग वहां खाना लेकर आ रहे हैं उनके लिए, toothbrush, water, drink. See, सारे सब लोग जो हैं, there's so many people Look at going that. there. इतने लोग जा रहे हैं वहां पे। ऐसे उठाते हैं आवाज अपने मुल्कों में। मैंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा है अभी तक इन कनाडा, बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इट्स सो मेनी। तो एनी हाउ आप ये जाकर सर्च कर सकते हो, इट्स प्रीटी एक्साइटिंग। मैं तो बैठ के देख रही हूँ क्या होगा, ये सारे ऑटोवा जा रहे हैं और वहां जाकर फिर ये प्रोटेस्ट करेंगे, एंड देयर डिमांडिंग के जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर दे, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन। ओह ये देखो,
ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप अपने मुल्क में? ना भैया ना, आप वो पकड़ के ले जाएंगे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में कर सकते हो ये आप। उसको लिखा हुआ है एफ ट्रूडो, ऐसे लिख सकते हो आप ट्रक के ऊपर एफ इमरान खान, एफ मोदी, और वो बंदा जिंदा रह जाए ना भैया, उसको फौरन अरेस्ट करेंगे आप लोग। सो दैट इज वाई आई लाइक कैनेडा, इसी वजह से मुझे कैनेडा पसंद है, और लोग आके यहाँ पे मुझे अपने अपने मुल्कों का बताते हैं। मगर देखिए उन मुल्कों को जो है ना जरूरत है थोड़ा सा इम्प्रूव होने की। पाकिस्तान को तो ओ माई गॉड, पाकिस्तान को तो दे हैव लॉन्ग वेज टू गो। मगर फिर भी यहाँ पे फिर भी हमें बोलने की आजादी है, राइट? वी हैव दैट फ्रीडम, और हम लोग चाहते नहीं कि वो आजादी हमसे जो है ना छीन ली जाए यहाँ पर।